40 दिन तक नमाज नहीं छोड़ती, बल्कि असर की नमाज फातिमा ने घर में अदा किया। खातिमा ने पूछा जोहर के बाद बेटा पैदा हो, असर के बाद नमाज कैसे? फातिमा ने कहा वो किसी और का खून है जो नापाक है, ये मुस्तफा का खून है, ये नापाक कैसे हो सकता है? कुर्बान जाओ नबी के आले मुबारका पर। अरे अल्लाह ने उनको नबी को तो नबी को नबी की आल को भी नापाकी से महफूज कर दिया है। नबी की आल का ये मुकाम है। कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ। अरे शर्म करो वो लोग जो नबी की बराबरी का दावा करते हो। अरे आले मुस्तफा को देखा, अब सहाबिये नबी को देखो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रसूलुल्लाह के दरबार में नमाज पढ़ने की गर्ज से तहज्जुद के वक्त तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मस्जिद नबवी में आए, रसूलुल्लाह ने उनको बाजू खड़ा कर लिया, रकत बांध ली। अरे वो छोटे थे, उनका पैर भी नबी की एड़ी मुबारका के बराबर था। वो खड़े हो गए, छोटा सा बच्चा है, नमाज में खड़ा हो गया। नबी पाक रकत बांध लिए, वो नमाज में पीछे हटे। हुजूर ने उनको फिर से हाथ पकड़ के आगे किया, वो फिर पीछे हटे, फिर आगे किया, फिर पीछे हटे, फिर आगे किया। ऐसे ही करते करते नमाज खत्म हुई। दो रकत नमाज अदा होने के बाद रसूलुल्लाह ने पूछा, अय अब्दुल्लाह बार बार पीछे क्यों हट रहे थे? नबी को मालूम था यह अदब वाला है, सवाल करूंगा तो जवाब में मेरी उम्मत को अदब आ जाएगा। हुजूर ने पूछा अब्दुल्लाह बार बार पीछे क्यों हट रहे थे? अर्ज करते या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊं आपकी इज्जत और अजमत पर, बेशक मैं अल्लाह की नमाज पढ़ अल्लाह की इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, खुदा को सजदे कर रहा था, लेकिन या रसूल अल्लाह वो नमाज क्या नमाज है जो नबी के बराबर खड़े होकर अदा की जाए? इसलिए तासीम नबी के लिए अदब के लिए पीछे हटता जा रहा था। मिन अनफुसिकुम, वो इंसानों में से इंसान जरूर है लेकिन हमारी तरह इंसान नहीं है। अल्लाह ने उन्हें बड़ा शान और अजमत वाला इंसान बनाया। उनकी बराबरी का दावा करना कुफरियत है, कुफरियत है। और उनके अदब और तहजीब में जिंदगी गुजारना ईमानियत है। एक सहाबी जंगे खाजी शिफा, शिफा की हदीस है किताब शिफा की, अल्लामा खाजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह बयान करते, नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में है। एक यहूदी हुजूर पर तलवार चलाने के लिए तलवार उठा रहा, और हुजूर की यह रहमतुल्लिल आलमीन वाली शान थी, हुजूर ने अपनी जिंदगी में पहला वार कभी किसी पर नहीं किया। सामने वाले को वार करने का मौका देते, जब वो वार करता तो हुजूर बचाव करते, पहली बार। दूसरी बार वार करता तो हुजूर बचाव करते, तीसरी बार वार करता तो हुजूर बचाव करते। हमको दहशतगर्द करने वालों सुनो, हमारे नबी का ये तरीका था, तीन मर्तबा वार करता हुजूर बचाव करते, चौथी बार का वार हुजूर की तरफ से होता। किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह आप दुश्मन को इतना मौका क्यों देते हैं? तो नबी करीम रहमतुल आलमीन ने जवाब दिया, वो जब पहला वार करता हूं तो मुझे तब भी यही उम्मीद होती है शायद ये अब कलमा पढ़ लेगा, दूसरा वार करता है तो सोचता हूं शायद अब कलमा पढ़ लेगा। हरीसुन अलैकुम, ये बड़े हरीस हैं तुम्हारे लिए, ये तुमको दोजख में देखना पसंद नहीं करते, ये तो चाहते हर कोई किसी भी वक्त में कलमा पढ़ ले तो बस है, अल्लाह के अजाब से बच जाए तो बस है। तीसरी बार भी देखते
नहीं पारता। अब चौथा वार हुजूर का होता। बस ऐसे ही एक यहूदी वार करने आया, हुजूर बचाव के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वो वार करना रोक दिए। हुजूर पूछे क्या हुआ, वार नहीं करोगे? बोला आज बात करूंगा। पूछो क्या है? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपसे जन्नत मांगू तो क्या दोगे? ये किससे सवाल हो रहा है? मिन अनफुसुकिम वाली जात से, इंसान से सवाल हो रहा है। क्या मैं जन्नत मांगूंगा तो दोगे? हुजूर बोले चल जल्दी तौबा कर, क्या पूछ रहा है? कुर्बान जाओ, रहमतुल्लाह आलमीन ने ऐसे नहीं कहा। हुजूर ने एक ही जवाब दिया, मेरा हो जा, जन्नत देने तैयार हूं। क्या कहने, हुजूर की रहमत के कुर्बान जाओ। हुजूर ने एक ही शर्त लगाई, मेरा हो जा, जन्नत दे दूंगा। वो बड़े ईमान वाले अकीदे वाले लोग थे, सच्चा अकीदा था, तलवार नीचे झुकाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, पढ़ के मुसलमान हो गए। जब तक यहूदी थे बराबरी में थे, मिन अनफुसिकुम को नहीं समझे थे। जब कलमा पढ़ लिए, अल्लाह का फजल आया, ईमान की बरकत से मुकाम मुस्तफा समझ में आया, ताजीमो अदब नबी के लिए उतर रहे थे घोड़े से, बाजू वाले यहूदी ने देख लिया कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है और अब ये अपनी तलवार हमारे ऊपर चलाएगा, लिहाजा इसको संभलने से पहले काट देना चाहिए। यहूदी ने जोर से तलवार चलाई, वो सहाबी जो कुछ देर पहले यहूदी थे लम्हों में सहाबी बने। सहाबी बन के अभी दो मिनट चार मिनट नहीं गुजरे, अदब नबी के लिए घोड़े से उतर रहे थे, बाजू वाले यहूदी की तलवार चली, गर्दन मुबारिका आकर नीचे घोड़े के पैरों में गिर गई। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस्म अभी घोड़े पर लटका हुआ है, सर नीचे आ गया, जंग खत्म हो गई। नबी रहमतुल आलमीन को देखो, नबियों के इमाम को देखो, वादा वफा करने वाली जाते करीमा को देखो, मिन अनफुसुकिन का जलवा देखो। मुस्तफा ने ऐलान किया, ऐसा भी आओ, ऐसा भी आओ, अगर नबी अगर जन्नती का चेहरा देखना चाहते हो तो देखो यहां कदमों में पड़ा हुआ है। नबी ने बताया कि जो यहूदी होता है वो बराबरी करता है और जो सहाबी होता है वो अदब में जान देना भी पसंद करता है। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, अल्लाह का वास्ता, जो बराबरी का दावा करेगा वो तबाह तराज हो जाएगा, वो नीस्त नाबूद हो जाएगा, वो अल्लाह की रहमत और फजल जन्नत और शफात से महरूम हो जाएगा, और जो नबी की गुलामी में रहेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो कामरान हो जाएगा, वो बरकत वाला हो जाएगा, वो फजीलत वाला हो जाएगा, वो अजमत वाला हो जाएगा, वो शफाअत का हकदार हो जाएगा, वो जन्नत में मुस्तफा का साथी बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।